राम राम, जय हिंद। एक केस स्वाति मौर्या, क्या नाम था, यही नाम था ना, अभी जो केस हुआ SDM वाला, यही नाम था। ठीक है, इनके बारे में चर्चा देश विदेश में फैली है। मतलब हमें तो लग रहा है उसका जीना भी दुश्वार हो जाएगा, कि क्योंकि हर गली का आदमी तो उनको पहचानने लगा है, क्योंकि इतनी रील बन गई है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम, ये वो फलाना ढिमकाना सब जगह, मतलब ऐसी छीछा लेदर हो गई उसकी। ठीक है, तो अब उसके बीच में कुछ लोगों का तर्क यह आता है कि एक लड़की गलत हो गई तो क्या सब लड़कियां गलत हो जाएंगी। इस बात के हम भी साथ में हैं कि अगर एक लड़की ने वो कर दिया है तो जरूरी थोड़ी है कि सब लड़कियां वो कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में लड़कियों ने कभी सोचा है कि उनके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है? मतलब हम वैसे तो इस मामले में तो हम लड़कों के पक्ष में हैं, और 90% में हम लड़कों के पक्ष में ही रहते हैं, क्योंकि होती हैं चीज़ें यार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन लड़कियों को ये समझ में नहीं आता कि उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। कि तुम्हें कुछ अगर नौकरी चाहिए, तुम्हें कोई अगर पढ़ाई करनी है, तुम्हें कोई अगर जॉब चाहिए, तो तुम्हें आदमियों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आज के टाइम पे जब ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो अपने पत्नी को लिवा ले गए क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी, वो उसको लिवा ले गए उसको पढ़ाई करनी थी, नहीं पढ़ने दिया कि SDM बन के ये भी भाग जाएंगी, तो इसमें लड़कियों की कितनी बेइज्जती हो रही, किस लेवल की बेइज्जती हो रही, ये सोच के देखो जरा तुम, किस लेवल की बेइज्जती हो रही है, समझ रहे हो? क्योंकि क्या हो रहा है कि सब यही बता रहे हैं आपकी अपनी बीवी को पढ़ाना नहीं, ये नहीं करना। अबे तुम कौन होते हो पढ़ाने वाले? तुम्हारे अंदर इतनी कहाँ से तथागे कि तुम अपनी बीवी को पढ़ाओगे? उस आदमी के साथ गलत हुआ है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो चलेगी। तलाक की बात हो रही थी, जो भी हो रही थी उनका इंटरनल मैटर है, पढ़ना नहीं चाहिए हम लोगों को उसमें। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि तुम एक पढ़ाई करने के लिए किसी के ऊपर तुम्हें डिपेंड होना पड़ेगा। सोच के देखो तुम, कि शादी के बाद भी हम कह रहे हैं, इसीलिए हमने आज से 6 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि शादी तब करो जब कहीं सेटल हो जाओ, अगर नहीं हो रहा मत करो शादी, क्योंकि उसके बाद की जिल्लत झेल नहीं पाओगे, और अगर किसी ने पढ़ा दिया तो वो तुम्हें ज़िंदगी भर सुनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लौंडे आके हमारी इसी तैसी कर देंगे, लेकिन उससे हमें वो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आई एम रेडी फॉर इट। तो इसलिए हम ये समझाते हैं कि जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। लौंडों के लिए तो खैर ये कंपलसरी ही है, लौंडों के तो वो जब पैदा होते तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ लिख दिया जाता कि बेटा बिना नौकरी के आगे अगर तुम आगे बढ़े मार दिए जाओगे। लेकिन लड़कियों के साथ भी ये समझना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग के इंस्टीट्यूट वाले वो भी बता रहे हैं कि मेरे यहाँ इतनी लड़कियाँ पढ़ती थी उनके पति लिवा ले गए। अबे लड़कियों के लिए कितनी शर्म की बात है, तुम ये सोचो। और लड़कियां अब ये भी नहीं बोल सकती कि पढ़ाई महंगी थी, उसने हमें सपोर्ट कर दिया पढ़ाई में, पढ़ाई कोई महंगी नहीं है आज। हम जाहिर सी बात है अगर इस चैनल पे आए तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होगे, 150-200 मैक्सिमम जो फीस लगती है 500 रुपये, एक वो जो तुम फॉर्म भरते हो फॉर्म फीस 500 रुपये। उसके बाद कोचिंग के लिए अगर पैसे नहीं है तो UPSC की तैयारी तक लोगों ने YouTube पे करी। YouTube पे इतना कुछ बेहतरीन पढ़ाया जा चुका है, इतना कुछ बेहतरीन पढ़ाया जा चुका है कि YouTube से तक वो क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन में खुली वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाता है। और लड़कियों को ये है कि उनको डिपेंड होना पड़ेगा दूसरों के ऊपर। तो इसमें इस केस में हम लड़कों के साथ हैं, देखो 90% केस में हम लड़कों के साथ ही रहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लड़कियों का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि थोड़ी सी सोच बदलो, कि तुम्हें अगर डिपेंड होना पड़ रहा है या तो फिर फेमिनिज्म का झंडा उखाड़ के फेंक दो तुम, अगर ऐसे ही करना पड़ रहा है तुम्हें। अगर फेमिनिज्म के साथ हो तो भैया तुम अपने चीज़ों पे अपना काम करो ना, अपनी चीज़ें बिल्ड करो ना। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी भर सुनोगे फिर ऐसे, और सुनाना बनता भी है, क्योंकि अगर उसके दम पे तुम बने हो उसी के खिलाफ जा रहे हो तो सुनाएगा जाहिर सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।